जय जय श्री सीताराम। हम सभी अपने लिए कहते हैं, समझते हैं, मानते हैं कि हम राम जी के शरणागत हैं, लेकिन शरणागति का रहस्य क्या है? क्या जो हमारा भाव है शरणागति का, ये जिस भाव को हम शरणागति समझते हैं, वो सच्ची शरणागति है या नहीं है? देखिए, भगवान के अनंत गुण हैं, प्रभाव हैं, अनंत तत्व हैं, अनंत रूप हैं, अनंत रहस्य हैं, अपार महिमा है, लीलाएं हैं, नाम है, भगवान का धाम है, भगवान का अनंत ऐश्वर्य है, माधुर्य है, सौंदर्य है, सब कुछ है ना भगवान में। और शरणागत भक्त इनमें से कोई ना कोई ऐसा कुछ रूप भगवान का देख ले, माधुर्य देख ले, लीलाएं देख ले। तो ऐसे ही किसी भगवान के गुण को देखकर वो भगवान का मुरीद हो जाता है कि हाँ, अरे इनके जैसा तो कोई नहीं है ना, भगवान का मुरीद हो जाता है। अरे भगवान का ऐसा गुण है, अरे भगवान का ऐसा रूप है, भगवान का ऐसा सौंदर्य है। लेकिन जो सच्चा शरणागत भक्त है वो क्या करता है? वो भगवान के इन गुणों की ओर देखता ही नहीं है। उसका एक ही भाव होता है कि मैं केवल और केवल भगवान का हूं, मैं उनके गुणों का नहीं हूं, मैं उनके रूप का नहीं हूं, मैं उनकी विभूतियों का नहीं हूं। अगर अगर वो भगवान के रूप को देखकर, भगवान के माधुर्य को देखकर, भगवान की शक्तियों को देखकर भगवान का भक्त हो जाए, तो वास्तव में वो भगवान का भक्त नहीं है। वो भगवान का जो उसने गुण देखा है, प्रभाव देखा है, स्वभाव देखा है, वो उसका ही शरणागत है, वो भगवान के शरण नहीं हुआ। लेकिन अब यहां पर कोई आप ये मत समझना कि मतलब ऐसा नहीं है तो भगवान के गुण, स्वभाव, लीला सब बेकार है, ऐसा नहीं है। इन सब को भी मानना पड़ता है, ठीक है, ये सब भी मानने की वस्तु है और लोग इनको मानते भी हैं। लेकिन जो शरणागत हो गया है उसको इनकी वो नहीं जाना चाहिए, उसको इनकी वो स्वप्न में भी नहीं जाना। अब जैसे अभी मैंने भगवान के गुण, स्वभाव, लीला, धाम आदि की बात कही, अब कोई ये ना सोचे कि अच्छा तो फिर भजन नहीं करे, भगवान के धाम नहीं जाए, भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान की कथाएं हैं वो ना सुने, ऐसा अर्थ नहीं करना है। भगवान के शरणागत होने का सीधा असर अर्थ है कि वो अब मेरे हैं, मैं अब उनका हो गया, ठीक है, मैं अब उनका हो गया। अब वो चाहे जैसे भी हैं, ऐश्वर्य से संपन्न है तो बहुत अच्छी बात है, और उनमें कोई भी ऐश्वर्य नहीं है तो भी अच्छी बात है, वो दयालु है बड़ी अच्छी बात है, और बड़े ही निष्ठुर हैं, बड़े ही कठोर हैं, और उनके समान दुनिया में कोई, संसार में कोई कठोर बचा ही नहीं, सबसे कठोर वही हैं, तो भी अच्छी बात है। उनमें कोई बड़ा भाई प्रभाव है, बड़ी भाई शक्तियां हैं तो भी अच्छी बात है, और उनमें कोई प्रभाव नहीं है तो भी अच्छी बात है। शरणागति में इन सब बातों की परवाह नहीं होती है। शरणागति में केवल एक अपने जो प्रेम है उसको ही जानते हैं, और किसी से कोई संबंध नहीं। उसका एक ही भाव है कि जैसो तैसो रावलो केवल कौशल पर, कि मैं जैसा भी हूं, कैसा भी हूं, आपका हूं, और आप जैसे भी हैं, तैसे जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, काले हैं, गोरे हैं, सुंदर हैं, कुरूप हैं, जैसे भी हैं, आप मेरे हैं। असुंदरा सुंदरो सेखलोवा, गुणैन बिहोनो गुणिनाम बलोवा, दोषी माया स्यात करुणा बुधिर्वा, श्याम सा एवाद गतिर्मयामम। आप जो भी हो, असुंदर हो, कुरूप हो, या सुंदर शेख होगा, ये भी सुंदरों में शिरोमणि हो, गुणहीन हो, चाहे जो गुणवान हैं,
उनमें सर्वश्रेष्ठ हूँ, आप मेरे प्रति द्वेष रखते हैं या फिर आप मेरी ओर कृपा से देखते हैं, आप मुझ पर कृपा करते हैं, आप जैसे भी हैं, मेरी तो गति एकमात्र केवल और केवल आप ही हैं। अश्लिष्ट सेवा पाद तथाम पनिष्टु माम दर्शना महतुम करोतु वा यथा तथा वा विधातु लंपुटो मत प्राण नाथस्तु सा एव नापरा। आप मुझे चाहे अपने हृदय से लगा लें, आप मुझे चाहे अपने हृदय से लगा लें, या मुझ चरणों में लिपटे हुए को आप मुझे अपने पैरों के नीचे रौंद डालें, अथवा मुझ दर्शन के प्यासे को आप अपने दर्शन न देकर मुझे यहीं तरफ आते रहें, आप चाहे जैसे चाहे वैसे करें, लेकिन मेरे लिए तो मत प्राण नाथस्तो, मेरे लिए तो आप ही मेरे प्राणनाथ हैं, दूसरा कोई नहीं। सा एव नापरा, दूसरा कोई भी नहीं है। अच्छा, भगवान के चलो इन गुणों की ओर यदि हम नहीं देखेंगे, भगवान के स्वभाव को नहीं देखेंगे, तो क्या वो चले जाएंगे? वो तो फिर भी रहेंगे ना उनमें, ऐसी बात तो नहीं वो कहीं चले जाएंगे। लेकिन यदि हम उनकी परवाह नहीं करेंगे, यदि हम उस ओर ध्यान नहीं देंगे, तो ही हमारी शरणागति असली शरणागति है, जहां शक्ति को देखा जाता है, गुणों को देखा जाता है, प्रभाव को देखा जाता है, और इनको देखकर भगवान की शरण हुआ जाता है, वहां हम भगवान की शरण नहीं होते। वहां हम जो हमने हमने उनका स्वभाव देखा है, गुण देखे हैं, हम उनके ही शरण हैं। जैसे आप अपने ही जीवन में अपनी दिनचर्या में देखते होंगे, आप किसी दुकान पर खड़े हैं, ठीक है, और उस दुकान के सामने एक बड़ी लग्जरी गाड़ी आके खड़ी हो जाए, या फिर कोई बड़ा कोई अधिकारी कोई मिनिस्टर आके खड़ा हो जाए, तो उसकी अलग से आप भगत होती है ना, उसका अलग से सत्कार होता है। कोई पैसे वाला है, कोई शक्ति वाला है, उसका अलग से सत्कार होता है, तो क्या वो उसका सत्कार है? नहीं, वो जिस पद पर है, उस पद ने उसको जो शक्तियां दी हैं, उनकी वजह से उसका सत्कार है, उनकी वजह से तो है। कोई धनी है, धनाढ्य है, कोई सेठ है, तो उसके पैसे का सत्कार है, उसका नहीं, आदमी का नहीं है। किसी नेताजी का सत्कार है, वो तो नेताजी का नहीं है, नेताजी के पद का सत्कार है ना। कोई शक्तिशाली है, बलवान है, पहलवान आपकी दुकान पे आ गया, पहलवान जी को बैठने दो, आने दो आगे, तो ये क्या है? ये उसकी पहलवानी का सत्कार है, उसका खुद का सत्कार नहीं है। इसी तरह अगर कोई किसी धनी का सत्कार करे, मिनिस्टर का सत्कार करे, तो उनके पद की सत्कारी है। लेकिन यदि वो उस व्यक्ति का सत्कार करे, तो क्या वो पद उसका चला जाएगा? नहीं जाएगा ना, वो तो फिर भी उसके साथ रहेगा। ऐसे ही केवल और केवल भगवान के शरण होने से भगवान के गुण प्रभाव स्वभाव भगवान की शक्तियां माधुर्य लीलाएं ये कहीं जाती नहीं है, ठीक है, वो कहीं चली जाए ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारी दृष्टि, एक शरणागत भक्त की दृष्टि, केवल और केवल अपने प्रभु पर होनी चाहिए, उनके गुणों पर नहीं। सप्तऋषियों ने जब पार्वती जी के सामने शंकर जी के अनेक अवगुण कहे, अब विष्णु जी के सद्गुण कहे, और उनसे कहा कि चलो शंकर जी का त्याग कर दो, अच्छी थोड़ी है शंकर जी, ये सब गुण हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो पार्वती जी ने क्या उत्तर दिया? महादेव अवगुण भवन, अवगुणों से भरे हुए वो तो कोई बात नहीं, विष्णु सकल गुण धाम, जही कर मन रम जा ही सन, तेही तेही सन काम। लेकिन जिसका मन जहाँ लग गया, उसका मन फिर लग गया, फिर उसको और किसी से काम नहीं होता। तो भगवान के प्रभाव की ओर देखने वाले, भगवान के स्वभाव की ओर देखने वाले, भगवान के आगे जो मंदिरों में हाथ फैलाए घूमते ना, ये दे दो वो दे दो, 5 रुपये ले लो, 10 रुपये ले लो, 21 रुपये चढ़ा देंगे, 51 रुपये चढ़ा देंगे हमें, भगवान 51 रुपये चढ़ा देंगे, 1 करोड़ की लॉटरी लगवा दो, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। ये सब क्या है? ये सब भगवान के ऐश्वर्य, भगवान की शक्तियों के उपासक हैं, ये भगवान के उपासक नहीं है, ये भगवान के प्रभाव की ओर देखने वाले हैं। आज भगवान का प्रभाव मिट जाए तो कोई नहीं आएगा, कोई भगवान क्यों नहीं देखेगा?
तो ऐसे प्रेमी भगवान को भी नहीं सीहे। केवल जो भगवान की ओर देखने वाला है, केवल जो उनको जानता है, केवल जो उनको चाहता है, वो ही उन्हें पा सकता है और वो ही भगवान को बांध सकता है, उनको बेच सकता है। भगवान देखते हैं ना, हाँ ये मेरे से प्रेम करता है, मेरे प्रभाव की ओर नहीं देखता, तो भगवान भी मन में उसका बड़ा आदर करते हैं कि हाँ ये है। प्रभाव की ओर देखेंगे, स्वभाव की ओर देखेंगे, शक्ति की ओर देखेंगे, तो ये सिद्ध करता है कि हमारे मन में कामनाएं हैं। कामनाएं हैं तभी तो शक्ति को देखेंगे। हमारे मन में वो जो कामना है उसका जो पदार्थ तो उसका आदर है। तो जब तक हमारे मन में कामना है हम प्रभाव को देखते हैं। अगर मन में कोई कामना ना रहे तो भगवान के प्रभाव की ओर, ऐश्वर्य की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाएगी, केवल भगवान की ओर दृष्टि जाएगी कि हाँ हम भगवान के शरण हुए हैं, भगवान के अपने हो गए। यही वास्तविक शरणागति है और यही शरणागति का सार है। संपूर्ण भाव से भगवान की शरण होने का रहस्य ये है कि देखो हम क्या सोचते हैं कि हमारा शरीर अच्छा है, इंद्रिय हमारे वश में है, मन शुद्ध है, निर्मल है, बुद्धि से भी हम ठीक ठाक जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, संसार में भी हमारा मान सम्मान है, यशस्वी हैं, है ना, ये सोचते हैं ना। लेकिन इस प्रकार सोचना और इस प्रकार सोच के भगवान की शरण होना, ये शरणागति नहीं है। भगवान के शरण में जाने के बाद शरणागत को ऐसा विचार भी नहीं करना चाहिए, अरे मेरा शरीर ऐसा है, अरे मेरी बुद्धि ऐसी है, मेरा मन ऐसा होना चाहिए, मेरा ध्यान ऐसा लगना चाहिए, मेरी ऐसी भावना होनी चाहिए, मेरे जीवन में ऐसे ऐसे विचित्र लक्षण, विचित्र हमारे जीवन में स्वभाव होने चाहिए, है ना, हमारा ऐसा आचरण होना चाहिए, हमारे में ऐसा प्रेम होना चाहिए, अरे मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, फिर भगवान की शरण कैसे होगा। ये सब बातें जो अनन्य शरणागति है उसकी कसौटी पर पूरी नहीं उतरती हैं। जो अनन्य शरण हो गया ना, कोई देखता ही नहीं कि शरीर बीमार है कि स्वस्थ है, मन चंचल है या स्थिर है, बुद्धि में ज्ञान है कि अज्ञान है, मैं मूर्ख हूँ कि बुद्धान हूँ, योग्य हूँ अयोग्य हूँ, वो इन सब की ओर सपने में भी देखता ही नहीं। क्यों, ये सब क्या है, ये शरीर मल है ना, शरीर में जो विषय वासना है मलिन तो है, ये क्या कूड़ा करकट ही तो है, तो उसको तो लगता है ये सब क्या है, इनको मैं अपने साथ लेकर क्यों घूमूं, मैं केवल भगवान को जानता हूँ, भगवान का शरणागत हूँ, मैं तो उनका हो गया बस। अब मेरे में कोई गुण आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, भाई गुण दिखाई देंगे तो अभिमान हो जाएगा ना, और नहीं दिखाई देंगे तो निराश हो जाएगा। इसलिए यही अच्छा है कि भगवान के क्षण होने के बाद अपने गुण या अवगुण इनकी ओर भूल कर भी मत देखो। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम चाहे किसी से बैर करें, विरोध करें, द्वेष करें, किसी से प्रेम करें, चाहे जो कुछ करें, ऐसा नहीं है। कहना बस इतना है कि इस ओर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। भगवान की शरण हो गए ना, कोई बात नहीं, ये सब गुण अपने आप आ जाएंगे, लेकिन इनके आने न आने से कोई मतलब नहीं रखना है। अपने में ये नहीं सोचना, अच्छा मेरे जीवन में ये प्रभाव हुआ नहीं हुआ, मुझे नाम का ऐसा प्रभाव दिखाई दिया कि नहीं दिया, ये सब नहीं सोचना है। भगवान की ओर देखो, अपनी ओर मत देखो। लोग कहते ना, अरे भगवान का भजन करता है, नहीं बीमार पड़ गया देखो तो, और कर लो राम राम, देखो मरने पे पड़े हुए हैं, अरे भगवान का भक्त है तो क्या उसको बुखार नहीं आ सकता, उस पर कोई दुख नहीं आ सकता, अरे उसका बेटा मर गया, उसका धन चला गया, उसका घर मकान बिक गया, उसको संसार में बदनाम हो गया, उसको लोग आदर नहीं देते, ये सब कहना फालतू की बातें, बिल्कुल फालतू की बातें हैं, ये बहुत कहते हैं ना नीची और तुच्छ बातें हैं। अरे ये लोग क्या समझें, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, जिन्होंने कभी भगवान का भजन नहीं किया, वो क्या समझे कि भक्ति क्या है, शरणागति क्या है, वो ये सब नहीं समझ सकते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान का भक्त है तो दरिद्र ही होगा, संसार में अपमान ही होगा, निंदा ही होगी, उसको इन सबसे कोई मतलब नहीं है। कोई निंदा करो, प्रशंसा करो, रोग हो जाए, निरोग हो जाए, इनसे कोई मतलब नहीं है।
सार यही है कि वो बस अपने भगवान को जानता है, वो बस अपने भगवान को जानता है और किसी को नहीं जानता। इसलिए आप सब भी केवल और केवल भगवान की शरण रहिए, भगवान के बने रहिए, संसार के बने रहिए या फिर भगवान के गुणों के बने रहना, ऐश्वर्य का बने रहना, ये शरणागति नहीं है। शरणागति है तो केवल भगवान की है। मान लीजिए, विश्राम से पहले चलिए, मान लीजिए आप भगवान के गुणों के शरणागत हो गए। अरे भगवान सबसे बड़ा प्रेम करते हैं, बड़े शरणागत वत्सल हैं। अब भगवान ने आपके सामने आपकी परीक्षा लेने के लिए, ने आपकी परीक्षा लेने के लिए किसी को लीला रूप में बड़ी ही क्रूरता से वध कर दिया उसका। आपकी नज़र में तो भगवान बड़े दयालु हैं, आप तो देखो अरे ये तो बड़े क्रूर है। आप सोचते भगवान हम पे बड़ी कृपा करते हैं, हम पे बड़े कृपालु हैं, हम पे हमेशा कृपा करते हैं, हमें हमेशा सबसे बचाते हैं। अब भगवान ने आपकी परीक्षा लेने के लिए एक दिन खुद ही किसी का रूप रख के आपको पीट दिया, लाठी डंडे बरसा दिया आप पर, कि देखे तो कितना है भक्ति। आपके मन में आएगा अरे भगवान ने हमेशा बचाया, देखो क्या हो गया, हमने इतना भजन किया, देखो आज देखो कैसी दुर्दशा हो गई, अस्पताल में पड़े हुए हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे शरणागति बाधित होती है, शरणागति पुष्ट नहीं होती है। शरणागति पुष्ट होनी है, शरणागति बाधित ना हो, इसके लिए एक ही है कि हमें किसी की ओर ध्यान नहीं देना है। बस भगवान जैसे भी हैं वो मेरे हैं। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीता।